नमस्कार मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दंगी आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को विस्तार से शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के मौसम से जहां पर आने वाले 24 घंटों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात की जाए तो लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में मौसम साफ बना रहेगा लद्दाख के आसपास कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है इसके अलावा पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ के साथ पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा राजस्थान के साथ हरियाणा दिल्ली पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू चलने का अनुमान है राजस्थान के कई भागों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है खासकर पश्चिमी राजस्थान के इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भी कई स्थानों पर तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस दो दिन के दौरान पहुंच सकता है इसके अलावा लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में सामान्य को मुकाबले अधिकतम तापमान पाँच से दस डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है जिसके चलते जहां पर भी लू जैसी स्थिति बनी हुई है अब जानते हैं मध्य भारत के मौसम के बारे में जहां पर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विदर्भ के सभी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा मध्य प्रदेश के साथ विदर्भ में लू चलने का अनुमान है कई स्थानों पर तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है अधिकतर राज्यों में दूध जैसी स्थिति कई दिनों तक बनी रहेगी पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के साथ कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में मौसम साफ बना रहेगा मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा सौराष्ट्र कच्छ में लू चलने का अनुमान है तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस बना रहेगा पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं जहाँ पर बिहार झारखंड उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा जबकि हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम समेत गांगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र बिहार के उत्तरी और पूर्वी तराई वाले क्षेत्र खासकर पश्चिम बंगाल से लगे हुए क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है इसके साथ ही उड़ीसा के तटीय दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी हल्के बादल बनने का अनुमान है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी संभव है दो दिन के बाद बिहार के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में भी गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मेघालय में अनेक क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी असम के साथ नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में भी एक दो स्थानों पर काफ़ी हल्की बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी दक्षिण भारत के मौसम की बात करी जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ देखने को मिलेगी दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ पर केरल में यानी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी तेज तूफानी हवाएं चल सकती है दक्षिणी कर्नाटक में भी हल्की बारिश का अनुमान है गरज के साथ तमिलनाडु का आंतरिक क्षेत्र लक्षद्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी संभव है जबकि शेष इलाकों में मौसम साफ रहेगा